Yes, good morning and welcome back to another vlog. आज हमारा day 6 है and आज हम लोग जाने वाले हैं. अभी फिलहाल हम लोग होटल से निकल के एक लेके वहाँ जाने वाले हैं और एक कंचनजंगा फॉल से वहाँ जाने वाले हैं. तो उसके बाद वापस से हम लोग होटल आएंगे एंड ब्रेकफास्ट करके फिर से हम लोग निकलेंगे रूम भी वाटरफॉल और भी दो तीन जगह हैं जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं एंड उसके बाद हम लोग डायरेक्ट दार्जिलिंग के लिए निकलने वाले. सो हम लोग वैसे बहुत लेट हो चुके हैं. हमें 6:30 टाइम दिया था ड्राइवर ने एंड इट्स 7 o'clock. बहुत ही गुस्सा होगा अभी वो. लेट्स गो. अंबर जी गुड मॉर्निंग. देखा उसको? किसको? हाँ देखा मैं सुबह. कौन सा विलेज है भैया? ये दरा विलेज इसको बोलते हैं. अरे ये गाड़ी से हम लोग देखते देखते चले जाएंगे. यहाँ कार्डामम का घास ज्यादा है इसलिए दरा विलेज बोल देता है ना. दिल्ली बोलता है. नीचे दिख रहा है वो कार्डामम. वहाँ बहुत कार्डामम है ऐसे. अच्छा ठीक है चला जाना. ये अच्छा ये बोलता है इसको विलेज. ओके ओके ठीक है. तो ये बस उसके लिए फेमस है कार्डामम के लिए. उसके लिए दरा विलेज. ओके दराप मतलब कार्डामम होता है क्या? हाँ दराप. अच्छा दराप तो ये लिंब एक इसका जातिया का भाषा से है दराप. अच्छा अच्छा ओके गाइस. तो हम लोग यहाँ पर अभी आ गए. हमारा फर्स्ट स्टॉप था खेचेपेड़ी लेक. इसको विशिंग लेक बोल. मैं अपने ड्राइवर से कम 10-20 बार पूछा इसका एग्जैक्ट नाम क्या, फिर भी प्रोनंसिएशन मेरे को ठीक से आया ही नहीं. सो जो भी है विशिंग लेक है हम लोग वहाँ जाने वाले हैं. लेट्स गो. बिल्कुल लेक के पास पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत. ये पूरा व्यू इतना खूबसूरत है. मैं आपको लेके चलता हूँ लेक के और पास. अरे ये क्या है? ओह वाओ. अरे कितना बड़ा है वो. आओ आओ आओ. तो यहाँ पर ये जो मछलियाँ रहती हैं इसको लोग नॉर्मली इनके खाने के लिए बिस्किट्स या फिर सोयाबीन चंक्स ले आते हैं और वो इन लोगों को देते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा मानना है कि अगर हम ऐसे 5 पत्थर को स्टैक करके रखते हैं और कोई विश मांगते हैं तो वो पूरी होती है. देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऐसा कर रखा है तो अब मैं भी वैसा करने वाला हूँ. तो विशिंग लेक तो हम लोग घूम लिए और ये काफ़ी सुंदर है और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके भी रखा गया है. काफ़ी साफ है. अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं. हम यहाँ से जाएंगे कंचनजंगा फॉल्स तो उसके बाद फिर देखते हैं. ये पानी अभी हमारे कार के ऊपर आएगा. कार चलाया होगा. So we are here at Kanchenjunga waterfall. Oh my god, looks so huge. वहां से आ रहा है ये. इतना बड़ा है ये. Oh my god, कुदरत का कहर. ये जो वाटरफॉल था हम लोग बेसिकली वाटरफॉल के ना पूरा पास जाकर वहाँ पर पानी ड्रॉप होकर उछल रहे हैं ना हम लोग वहाँ पर गए थे और फोटोग्राफ लिए हैं वहाँ पर. वहाँ पे एक्चुअली दो लोग हैं भी जो लोग आपकी हेल्प करते हैं ऊपर चढ़ने में और वापस आने में
मतलब वो पत्थर पर चढ़कर वापस आने में। एंड अभी हम लोग सोच रहे हैं ना, यहाँ पर एक जिप लाइनिंग है, छोटू सा जिप लाइनिंग है, तो हम लोग सोच रहे हैं वो जिप लाइनिंग भी कर लेते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ये सस्ता भी है, एक बंदे का 100 रुपये ले रहे हैं और ठीक ही है, 100 रुपये। अभी छोटा सा ये है, वहाँ यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसा सीधा जाकर वहाँ तक दिख रहा होगा आपको, तो वहाँ तक का जिप लाइनिंग है ये। एंड मैं चिल्ला कर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, तो मुझे पता नहीं कि इसमें ठीक से आ रहा होगा या नहीं। ऑलराइट, तो हम लोग अभी जा रहे हैं वो जिप लाइनिंग के लिए। पहली बार मैं लाइफ में जिप लाइनिंग कर रहा हूँ, आई डोंट नो कैसा होने वाला है, लेकिन मज़ा ही आएगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोग का कंचनजंगा फॉल्स हो चुका है, इसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं भैया? अभी हमको आप लोगों को एक जगह फिर दिखाने का मन किया। ओके, तो ऑरेंज रिवर ऑरेंज गार्डन है। रिवर ऑरेंज गार्डन, कितना टाइम लगेगा यहाँ से जाने में? यहाँ से 20 मिनट जैसा लगेगा। ओके ठीक है, सी यू इन रिवर ऑरेंज गार्डन। ऑलराइट, तो हम लोग अभी पहुँच चुके हैं रिवर ऑरेंज गार्डन, लेट्स गो। तो बेसिकली ये जो ऑरेंज गार्डन है, यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर दिसंबर और जनवरी के महीने में बहुत सारे ऑरेंजेस होते हैं, एंड यहाँ के ऑरेंज काफ़ी ज़्यादा मीठे होते हैं। आप अगर आप दिसंबर और जनवरी के महीने में आओगे तो आपको बहुत सारे ऑरेंज वाले यहाँ पर बेचते हुए भी मिलेंगे रोड के साइड में, और काफ़ी सस्ते में मिलता है। बट अभी तो हम ऑफ सीज़न में आए हैं तो हमें ऑरेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। So we have decided to go there. Oh my God, पानी कितना ठंडा है। पत्थर पे पाँव है। अबे यार कितना ठंडा पानी, मैं ठंड से मर जाऊंगा अब। रिटर्निंग फ्रॉम दिस ऑरेंज रिवर, बिकॉज हम भूल ही गए थे कि हमें चेकआउट भी करना है, एंड इट्स ऑलरेडी 12, वी आर गेटिंग लेट। और एक छोटे से वाटरफॉल पे आए हैं, ये है रिम्बी वाटरफॉल, रोड के बिल्कुल ही साइड में है। अच्छा सा है, काफ़ी बड़ा सा है एक्चुअली, और जो भी रोड साइड रहता है वाटरफॉल वो सब छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ा सा वाटरफॉल है। बट हम लोग यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने वाले क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, तो हमें जल्दी से यहाँ से जाने का है। फाइनली हमने चेकआउट कर लिया अपने होटल से, हम लोग बहुत लेट हो चुके थे फिर भी इन लोगों ने ज़्यादा चार्ज नहीं किया, द गुड पीपल। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से दार्जिलिंग, एंड बैटरी इसकी लो है, सो मैं होपफुली आप लोगों को दार्जिलिंग में मिलता हूँ। बाय। अभी यहाँ पे हम लोग आए हैं वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर, एंड यहाँ पर अभी जो है
स्ट्राइक चल रहा है तो यहाँ पर हम लोगों को आगे जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि आज दार्जिलिंग में भी स्ट्राइक है 4 बजे तक एंड इट्स 3:45 नाउ. तो हम लोगों को और 15 मिनट वेट करना पड़ेगा. यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो लगी हुई हैं अभी भी वैसी. तो अभी हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हमें बस वेट ही करना पड़ेगा 4 बजने का. हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग 5:30 या 6 o'clock तक पहुँच जाएंगे, बट अब हमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है. A few moments later. Finally we got the green signal to go. So we just made it over here to our hotel in Darjeeling and its battery बहुत low है. So मैं आप लोगों को बस एक quick room tour देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं. अब इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, 8% बाकी है. सो मैं अभी इसे चार्ज पे लगाऊंगा एंड आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि अब आगे आज के लिए कुछ है नहीं. यहाँ पास में बस एक मार्केट, तो वहाँ जाने वाले हम लोग जरा सा, और बाकी और कुछ है नहीं स्पेशल. कल सुबह 4 बजे हमें जाना है सनराइज़ देखने के लिए. वहाँ से वापस आके फिर से ब्रेकफास्ट करेंगे एंड उसके बाद फिर हम बाकी जगह घूमने जाएंगे. सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को कल. तब तक के लिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई सजेशन है. तो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, पीस.